आज हम देखेंगे शून्य की अवधारणा कि गणित में किस प्रकार हम शून्य को बच्चों लोगों को हम समझा सकते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं वो शून्य को नहीं समझते, वो एक से लेकर नौ तक की संख्या को समझते हैं और शून्य को वो नहीं समझते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि शून्य की अवधारणा क्या होती है और छोटे बच्चे को उन्हें कैसे समझाया जाए। तो देखिए, हमारे पास मान लो ये एक चॉकलेट है, क्या है? चॉकलेट, ठीक है। अब ऐसे हम और भी बहुत सारे चॉकलेट बना लेते हैं, ये पांच चॉकलेट हो गई। अभी हम और बना लेते हैं, हमारे पास कितनी चॉकलेट हो गई? अब एक एक करके हम चॉकलेट को एक एक बच्चे को देंगे, तो ये चॉकलेट चले गई दीक्षा को, तो कितनी चॉकलेट बची? अब हम एक चॉकलेट और लक्ष्य को दे देते हैं, हमारे पास कितनी चॉकलेट बची? अब एक चॉकलेट हम किसको दे देते हैं? केसर को। कितनी चॉकलेट बची? एक चॉकलेट हम दे देते हैं करण को। कितनी चॉकलेट बची? एक चॉकलेट हम दे देते हैं दामिनी को। हमारे पास कितनी चॉकलेट बची? चार। अब हम एक चॉकलेट दे देते हैं फिर करण को दे देते हैं, कितनी चॉकलेट बची? एक चॉकलेट चली जाती है बेबी के पास, कितनी चॉकलेट बची? दो। एक चॉकलेट चले जाती है गणेश्वरी के पास, कितनी चॉकलेट बची? एक। अब ये चॉकलेट दे देते हैं हम किसको देते हैं? किसको देते हैं? टिकेश्वरी को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? तो जब हमारे पास नौ चॉकलेट थी, नौ चॉकलेट को हमने बांट दी, तो हमारे पास क्या बचा? शून्य चॉकलेट बची। तो शून्य को हम कैसे बताएंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो बचा है वो उसको हम किसको किससे प्रदर्शित करेंगे? शून्य से। तो यही क्या है शून्य की अवधारणा। हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि शून्य मतलब क्या है? रिक्त स्थान। क्या है? रिक्त स्थान। गणित में हम शून्य को ऐसे दर्शाते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार से बताएंगे तो बच्चे शून्य की अवधारणा को। अब हम बताएंगे कि बच्चों को कि शून्य का मान क्या होता है। वैसे गणित में शून्य का मान तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि किसी संख्या के वो दाई ओर लग जाता है शून्य, तो इसका मान कितना गुना बढ़ जाता है? 10 गुना वो बढ़ा देता है। लेकिन वही यदि मान लो इसके हम बाई ओर लिखेंगे तो इसका संख्या इसका मान में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। हमने 5 लिखा और दाई ओर शून्य लिखा तो इसका मान 10 गुना बढ़ गया, तो कितना हो गया? ये 50 हो गया। लेकिन वही हम 5 के हम बाई ओर शून्य लिखेंगे तो इसका मान क्या होता है? वही 5 के 5 रहेगा। तो हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि शून्य का मान कुछ नहीं होता है, शून्य का मान कुछ होता है। तभी तो वो किसी संख्या की जब दाई ओर लिखते हैं तो 10 गुना बढ़ा देता है, और जब बाई ओर लिखते हैं तो उसका मान में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को शून्य की अवधारणाओं की समझ बैठा सकते हैं और शून्य का मान क्या होता है यह भी बता सकते हैं।